वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रयागराज के निर्देशन में चलाए जा रहे अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई के क्रम में थाना धूमनगंज पुरा मुफ्ती पुलिस व राजस्व टीम द्वारा कुख्यात गौ तस्कर व हिस्ट्री सीटर अपराधी मोहम्मद मुजफ्फर पुत्र स्वर्गीय मुख्तार अहमद की अपराध से अर्जित अचल संपत्ति अनुमानित कीमत करीब 3.75 करोड़ रुपए धारा 2/3 14(1) गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कुर्क की गई। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 24। कौन था है? क्या आप इसमें इल्जाम है और किस तरह की कार्रवाई की? मुकदमा अपराध संख्या 235/2021 थाना पूरा मुफ्ती जनपद प्रयागराज में पंजीकृत हुआ। इसकी विवेचना थाना धूमनगंज प्रभारी निरीक्षक द्वारा की जा रही है। विवेचना दौरान मोहम्मद मुजफ्फर के द्वारा अपराध से अर्जित धन से कुछ प्रॉपर्टीज संपत्तियां सामने आई हैं जिनको कुर्क किया जा रहा है, जिसमें से कि दो प्रॉपर्टी यहां पे बमरौली उपरहार में पाई गई हैं जिनके खिलाफ आज कुर्की की कार्रवाई की जा रही है। कुल कितने मुकदमे हैं और कितना बड़ा अपराधी है ये? कुख्यात गौ तस्कर है, इसके विरुद्ध 10 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं और इसकी और भी प्रॉपर्टी कुर्क की गई है। दिनांक 5 अगस्त 2022, 13 अगस्त 2022 और आज 16 अगस्त 2022 की कार्रवाई अभी तक की जा चुकी है और पूर्व में भी कार्रवाई की जा चुकी है और ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी, आगे भी प्रचलित रहेगी। जो जो प्रॉपर्टीज इनके सामने निकल के आएंगी, जो अपराध द्वारा धन से अर्जित की गई हैं, उनके विरुद्ध भी कुर्की की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कितने यहाँ पे अराजी संख्या 1076 में दो प्रॉपर्टीज इनकी, एक का एरिया है 306.69 स्क्वायर मीटर और एक है 84 वर्ग मीटर। क्या कीमत क्या होगी सर इनकी? इसकी अनुमानित कीमत है 3 करोड़ 75 लाख। ठीक है।